तो अगर दोस्तों आप सीखना चाहते हो कि आप अपने पीसी से एक एजुकेशनल वीडियो कैसे तैयार कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत होगी और कहाँ से आप फ्री उसको डाउनलोड कर सकते हो और सभी का यूज कैसे प्रॉपरली कर सकते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, दिस इज तरुण एंड यू आर वॉचिंग प्रदर कोचिंग चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो अभी तक दोस्तों मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं जिसमें मैंने आपको समझाया था भी कैसे आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, कौन कौन सी एप्लीकेशन की जरूरत होगी, या अपने पीसी से कैसे ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, मोबाइल से कैसे पढ़ा सकते हो, या एजुकेशनल वीडियो अपनी कैसे एडिट कर सकते हो। वो सभी वीडियोज़ के ऊपर मैंने एक सीरीज़ बनाई है। अब तक 5 वीडियो मैंने इस टॉपिक के ऊपर अपलोड की हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे आप अपने पीसी से एजुकेशन वीडियो तैयार कर सकते हो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत होगी। तो ये दोस्तों 5 वीडियोज हैं जिसमें मैंने आपको समझाया है भी कैसे आप एजुकेशन वीडियो बना सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो। तो ये सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो ये सीरीज आप देख सकते हो और सीख सकते हो कैसे एजुकेशन वीडियो बनाया जाए अपने मोबाइल से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पीसी में अगर दोस्तों आप एजुकेशन वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको 3 चीज़ों की जरूरत होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर की जरूरत होगी, जो मैं यूज़ करता हूँ फ्लैशबैक एक्सप्रेस। ये बिल्कुल फ्री है और इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी HD क्वालिटी की आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो इसी सॉफ्टवेयर से हो रही है। ये जो आप देख रहे हो ये स्लो, ये नेट की प्रॉब्लम है। अगर आपके पास अच्छी स्पीड है तो आप अच्छे से इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और दूसरा जो दोस्तों आपको एक पेन की ज़रूरत होगी, जो मैं यूज़ करता हूँ एपिक पेन। ये भी दोस्तों बिल्कुल फ्री है, ये भी इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा पेन है। इसको आप इजीली अपने माउस से यूज़ कर सकते हो। अगर आप इनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड करोगे तो इसका जो आपको वर्जन मिलेगा वो अपडेटेड होगा। पीसी के ऊपर अगर इंस्टॉल होगा तो बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जैसे नेट फ्रेमवर्क है। तो अगर इसका 3.1 आप यूज़ करते हो वर्जन, तो आपके लिए इजी होगा इसको यूज़ करना और आप अपने पीसी में भी इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे अगर दोस्तों आप वीडियो की ऑडियो जो होती है उसको आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताना चाहूँगा Audacity। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, इसमें आप अपनी नॉइस रिमूव कर सकते हो, अपनी जो अगर वॉइस आपकी कम है तो उसको बढ़ा सकते हो, उसे एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपकी वॉइस ऊपर नीचे होती है तो उसको स्टेबलाइज कर सकते हो, वो भी मैं इस वीडियो में आपको करके बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको वीडियो बनाना है। वैसे ही दोस्तों आपको पावर पॉइंट पे आपने जो भी अपना स्लाइड है वो पहले बना लेना है, जो भी आप कंटेंट तैयार करना चाहते हो। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखी है, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो मेरी नेट की स्पीड है वो कम है, इसी कारण जो ये है प्रोसेसिंग है वो स्लो हो रही है काफ़ी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा जो पावर प्रेजेंटेशन है वो ओपन हो गया है। अब आपको उस पेन ओपन कर लेना है जो हमने इंस्टॉल किया है, एपिक पेन। ये जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों वो है 3.1। तो इससे अपने माउस से आप इजिली समझा सकते हो। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है इसको ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप साइड में क्लिक करोगे एरो के ऊपर, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मेरी रिकॉर्डिंग जो है ये चल रही है इस टाइम, तो यहाँ पे आप स्टॉप भी कर सकते हो। तो इसको रिकॉर्डिंग को हम चलाने के बाद हम उसी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेंगे। तो ये आपने अपनी PPT ओपन कर ली है, तो यहाँ पे आपको उसी तरह से बिगिनिंग से हम स्टार्ट कर लेंगे इसको। यहाँ पे आपको फैक्ट बताऊंगा, जैसे मैंने आपको मोबाइल में कहा था अभी, यहाँ पे आपको स्पेस इस तरह से छोड़ देना है कि जो आपका जो ये पेन है वो साइड में रहे। जब आप इसकी एडिटिंग करोगे तो ये आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इजीली इसको समझा सकते हैं, ये देख सकते हो दोस्तों, व्हाट इज़ मैटर एंड हाउ डज़ अ मैटर फॉर्म। तो ये मैंने दोस्तों एक स्लाइड बना रखी है, तो इस तरह से अब देखिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये एजुकेशन वीडियो बना सकते हो। तो लास्ट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, इससे होगा क्या, आपकी जो वॉइस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, उस जो भी नॉइस होगी वो इससे आप इजीली रिमूव कर सकते हो। मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पोर्शन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी नॉइज़ होगी। पहले आपको बोलना नहीं है, पहले जितनी भी आपकी नॉइज़ है उसको आपने माइक को रिकॉर्डिंग करना है। 10 सेकेंड के बाद या 15 सेकेंड के बाद आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। तो वहाँ पर आपकी नॉइज़ क्या होगी वो कैप्चर हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में जाना है, इफेक्ट में, इफेक्ट में आपको नॉइस रिडक्शन के ऊपर क्लिक करना है। नॉइस रिडक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले आपको गेट नोटिफाई कर देना है,
उसके बाद आपको इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए करके आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लोगे। अब फिर उस तरह से इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद नॉइस रिडक्शन में जाना है और ये नॉइस को रिमूव कर देना है नीचे वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद। यहाँ पे होगा क्या, जो बैकग्राउंड नॉइस है वो सारी रिमूव हो जाएगी और जो आपकी वॉइस है वो क्लियर होगी। अब यहाँ पे आप इसको एम्पलीफाई भी कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों आप ऑडियो वीडियो दोनों क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका लिंक आप तक पहुंच जाए। तो इससे पहले वाली जो दोस्तों वीडियोस है वो देख लीजिए। अगर आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो वो वीडियो का लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय गाइज़।